अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैन यू हेयर मी? ओके राइट। So we are talking about the arterial pressure, right? Okay, arterial pressure, how your body is controlling arterial pressure, because arterial pressure is very important and it is the main reason why different tissues, there are supplying sufficient amount of blood. All the tissues of the body are supplying some sufficient amount of blood. Otherwise, if the arterial pressure low hota to blood flow towards tissues would have decreased and resulting in cardiac shock. ठीक है? So to maintain arterial pressure, आपको हमने आपसे discuss किया कि एक तो सबसे important जो है reflexes है, यानी nervous control है, ठीक है? So nervous control है, वो instant उसका response होता है and it is responsible for an acute fall or rise in आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है? और जो नर्वस कंट्रोल है वो बेसिकली इफेक्ट कर रहा है आपकी हार्ट को और आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं उसमें नर्वस कंट्रोल का रोल है आपके आर्टेरियोस में और आपके वेन्स के, ठीक है? और तीसरी चीज जो है वो आपकी हार्ट है, ठीक है? तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल अफेक्ट हार्ट and your arterioles and your veins and thus it is controlling your arterial pressure. ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया जी acute control of arterial pressure. ये जो reflexes हैं जो आपके वो आपके vascular capacity को affect कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि arterioles को या वो constrict कर रहे हैं या वो dilate कर रहे हैं, right? और सीधा veins को वो constrict कर रहे हैं या dilate कर रहे हैं, यानी कि they are actually affecting the कैपेसिटी ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। बात समझ में आ रही है ना? कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या जो नर्वस कंट्रोल है, इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द मेनली इट इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है? या उस कैपेसिटी को वो कम कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है या डायलेट कर रहा है। And thirdly, it affects the cardiac output also, right? By increasing the force of contraction and by increasing the heart rate. ठीक है? अच्छा, ये तो हमारी बात होगी कि heart का जो autonomic nervous system जो है, वो कैसे nervous system कैसे control कर रहा है arterial pressure को, ठीक है? अब हम ने बात शुरू की थी किडनी की, और जैसे आपने डॉक्टर जावेद शफीक साहब के साथ डिस्कस किया होगा कि व्हाटएवर द इनपुट अमाउंट ऑफ इनपुट इनटेक ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट, ठीक है? एंड व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन अ वाटर कंटेंट इन योर बॉडी, व्हाट योर किडनीज डू, दे स्टार्ट एस्केटिंग द एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। अगर किडनीज जो है एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी को एस्केट नहीं करेंगी तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर आर्टेरियल प्रेशर जो राइज कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर नेट्रोसिस एंड प्रेशर डायोरेसिस, ठीक है? एक तो नंबर वन, किडनीज जो है व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी, द किडनीज जो है दे विल गेट रिड ऑफ दैट एक्सेस फ्रॉम द बॉडी बाय प्रेशर नेट्रोसिस एंड प्रेशर डायोरेसिस, ठीक है? सो व्हेनेवर देयर इज राइज इन आर्टेरियल प्रेशर, इट विल कम बैक टुवर्ड्स नॉर्मल इफ योर किडनीज आर वर्किंग नॉर्मली, ठीक है? हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम इन द आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन। अब देखो, जब हम आर्टेरियल प्रेशर की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। आर्टरीज में दो चीजें हैं, ब्लड वेसल्स में दो चीजें हैं, एक तो ब्लड वेसल्स देमसेल्फ और दूसरे उसके अंदर जो वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है उनके अंदर, ठीक है? दीज टू थिंग्स दे आर एक्चुअली रेगुलेटिंग द आर्टेरियल प्रेशर। अगर तो ब्लड वेसल्स में कोई चेंजेस आ गई तो आर्टेरियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के डायमीटर में कोई चेंजेस आएंगे।
या जो ब्लड वेसल से अंदर जो फ्लूइड है उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब हम लेट से हम देखते हैं कि फ्लूइड जो है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन। सो जब व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम इन द आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जो आपके सारे हैं उनके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है? इट इज अकरिंग बाय टू मैकेनिज्म। नंबर वन, whenever there is a rise in extracellular fluid in the blood vessels, so there is always an increase in cardiac output, and number two, there is an increase in total peripheral resistance. ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्ट किया था आर्टेरियल प्रेशर तो हमने डिस्कस किया था कि the two factors which determine the arterial pressure, they are cardiac output and peripheral resistance. ठीक है, arterial pressure is equal to cardiac output multiplied by total peripheral resistance. ठीक है, तो जब हमने बात की थी नर्वस कंट्रोल की तो हमने देखा था कि कार्डिक आउटपुट नर्वस कंट्रोल कैसे इंक्रीज कर रहा है, बाय इंक्रीजिंग द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, और नर्वस सिस्टम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज कर रहा था, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द आर्टेरियोल्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में तो ये कहानी थी। अब हम ये देखेंगे कि किडनी जो है या इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कैसे इन दोनों फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, द इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कैसे आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम जो है बॉडी के अंदर वो कैसे आर्टेरियल प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो हम पहले इंक्रीज की बात करते हैं कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देयर इज अ राइज इन आर्टेरियल प्रेशर which is done by increasing the cardiac output and total peripheral resistance. अब हम ये देखेंगे कि fluid volume cardiac output को कैसे increase कर रहा है और fluid volume total peripheral resistance को कैसे increase कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये एक आपके पास flow बना हुआ है आपके diagram के अंदर। ठीक है, flow diagram बड़े important है, वो आप जरूर कर लेना। ठीक है, so whenever there is an extra increase in extracellular fluid volume, ठीक है, यानी कि आपके interstitium में और blood vessel में extracellular fluid volume increase हो जाता है तो क्या होगा, overall आपका blood volume भी will also increase. ठीक है, यानी कि blood vessels में जो blood volume है that has also increased. अब जब blood vessels में blood volume increase हो जाता है तो blood vessels के अंदर जो circulatory filling pressure है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जब ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब है कि इसके अंदर जो सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर दैट विल आल्सो इंक्रीज। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, यानी कि तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड की वजह से जो प्रेशर था दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर दैट हैज इंक्रीज। एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न of the blood to the heart. ठीक है, mean circulatory filling pressure एक नई terminology अभी आपको यहाँ पे introduce करा रहे हैं, बाद में detail में बताएंगे। mean circulatory filling pressure का मतलब है कि blood vessels में blood volume की वजह से जो pressure increase हुआ है, amount of blood की वजह से जो pressure increase हुआ है, that is called mean circulatory filling pressure. ठीक है, so whenever there is rise in mean circulatory filling pressure, the venous return of the blood towards the heart will also increase. अब जब venous return increase होगा तो cardiac output को क्या होगा? Cardiac output will also increase. So whenever there is increase in cardiac output, अब आपको पता है कि arterial pressure जो है वो आपका increase कर जाएगा. So direct effect क्या है कि cardiac output कैसे increase हुआ है? Because as the blood volume increases, mean circulatory filling pressure increases, venous return increases, and the cardiac output increases. This increase in cardiac output increases the arterial pressure. ठीक है, तो एक component तो आपने देख लिया कि दो components है ना, cardiac output और peripheral resistance, जो कि determine करते हैं आपके arterial pressure को. तो increase in cardiac output directly increases the arterial pressure. वो in cardiac output कैसे increase हुआ है? Due to increase in venous return. Venous return कैसे increase हुआ है?
ड्यू टू इंक्रीज इन मेन सर्कुलेटरी ब्लड प्रेशर. मेन सर्कुलेटरी ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज कर गया? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. एंड द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हैज अकर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है, तो डायरेक्टली इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट की वजह से आपका इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की. ठीक है, एक तो इफेक्ट डायरेक्ट है कि आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने से आपका आर्टेरियल. दूसरा इफेक्ट क्या है कि आपका, ये देखो, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट हुआ तो फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द टिश्यू हैज इंक्रीज. व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द टिश्यू इंक्रीजेस तो क्या होगा, द आर्टेरियोल्स ऑफ दोस टिश्यूज दे विल कंस्ट्रिक्ट. ठीक है, ऑटो रेगुलेशन की वजह से दे विल डिक्रीज द अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स द टिश्यू. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, व्हेन ऑल दोस पेरिफेरल आर्टेरियोल्स व्हिच आर गोइंग टू द टिश्यूज दे विल कंस्ट्रिक्ट, इट विल कॉज अ राइज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ठीक है, and this is called autoregulation. ठीक है, this autoregulation will cause the rise in total peripheral resistance leading to rise in arterial pressure. ठीक है, ये देखो, due to any reason, some reason, आपके body के अंदर extracellular fluid volume जो है वो increase हो गया है. ठीक है, extracellular fluid volume जब increase हो गया है तो क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इनके अंदर सिस्टेमिक मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ गया. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो फिलिंग प्रेशर भी बढ़ गया है. एंड वेनस रिटर्न इंक्रीजेस. ठीक है, एज मोर वेनस रिटर्न इंक्रीजेस, कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब जब कार्डिक आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट सारे टिश्यूज को जा रहा है. ठीक है, ये सारे टिश्यूज को कार्डिक आउटपुट आपका जा रहा है. ठीक है, रीनल को जा रहा है, आपकी खुद लो फ्लो ऑफ ब्लड कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दर्टेरियोल्ट. ठीक है, as all these arterioles will constrict to kya hoga, peripheral vasoconstriction jo hai wo increase ho jayegi. Peripheral vasoconstriction jo hai they will increase, right? And as a result of that arterial pressure will rise. theek hai, do wajah se whenever yaad ko extracellular fluid volume increase hoga body mein, to ek to ye hai ki aapka cardiac output increase kar raha hai and that is why aapka arterial pressure increase. Lekin, and the other main reason is that whenever flow of the blood, whenever there is increase in cardiac output, flow of the blood towards the tissues will increase. And as a result of that, these tissues, they will control their own flow of blood and they will undergo constriction. Zyada to blood chahiye nahi na unko. So they will go under constriction, and this will cause vasoconstriction of all these peripheral arterioles leading to increase in arterial pressure. Theek hai, blood aage to ja hi nahi raha to piche blood ab jama ho raha hai. This will cause, this increase in peripheral resistance will cause increase in arterial pressure. ठीक है, ये आपके दो इफेक्ट हो गए कि किस वजह से आपका extracellular fluid volume body के अंदर increase होता है तो आपका arterial pressure rise करेगा. दो वजह से, एक increase in cardiac output, दूसरे increase in peripheral resistance. ठीक है, so only a 5 to 10% increase in cardiac output can increase the arterial pressure from the normal mean arterial pressure of 100 millimeters mercury up to 150 millimeters. theek hai, yani ki agar cardiac output aapka 5 to 10% zyada hota hai, arterial pressure bhi aapka 100 se 150 millimeters mercury rise karta hai, right? acha, ab humne ye baat kar li ki ji agar body ke andar extracellular fluid volume mein increase kar jata hai to how will the arterial pressure increase. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई. अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम भी है तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, सोडियम क्लोराइड का रोल ऑन कंट्रोलिंग द आर्टेरियल प्रेशर. सोडियम क्लोराइड का रोल इन कंट्रोलिंग योर आर्टेरियल प्रेशर. ठीक है, अच्छा, तो क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड कैसे आपका आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. अब देखो, लेट्स से आपने बहुत ज्यादा नमक खा लिया है,
एवरीडे लाइफ में आप देखो अगर बहुत ज्यादा नमक खा लेते हो, नमकीन चीज ज्यादा खाते हो तो यू फील थर्स्टी। सो जब भी आप इफ यू टेक देयर इज एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट तो दैट सॉल्ट इज बिकम्स एक्सेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉल्ट इज इन एक्सेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट विल इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा वाटर के साथ रेशियो से कम हो जाएगा। Whenever there is an increase in osmolarity of extracellular fluid, तो क्या होगा? आपके जो third centers हैं, जो brain में पड़े हुए हैं, they get stimulated. Brain में आपके osmolarity osmol receptors पड़े हुए हैं third centers से, ठीक है? Hypothalamus में, those osmol receptors जो हैं brain में, they get stimulated, ठीक है? जब third centers stimulated हो जाएंगे, तो क्या होगा? Person will drink extra amount of water. To bring the extracellular fluid salt concentration towards normal. ठीक है, अब जब वो पिएगा बंदा बार बार पानी, ठीक है, ताकि extracellular fluid की osmolarity जो है वो normal हो जाए। अब जब ज्यादा पानी पिएगा तो उसका extracellular fluid volume जो है वो भी increase कर जाएगा और उसका arterial pressure increase करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से आपका sodium chloride extracellular fluid भी जो है वो आपके arterial pressure को increase कर रहा है और दूसरे सोडियम क्लोराइड से जो है वो भी आपके आर्टरियल प्रेशर को इंक्रीज कर। तो नंबर वन क्या हो रहा है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो जाएगी, आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थर्ड सेंटर्स आर स्टिमुलेटेड एंड पर्सन विल ड्रिंक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर टू ब्रिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, As a result of that, ज़्यादा excess पानी पीने की वजह से there will be increase in extracellular fluid volume, resulting in rise in arterial pressure. एक तो वजह ये होगी कि अगर sodium chloride body में ज़्यादा हो गया है, osmoreceptors जो हैं वो stimulate हो गए हैं, तो आपके third center stimulate हो जाते हैं। Number two क्या होता है? अच्छा, ये आपको एक मैं डायग्राम में दिखा दूं कि ये देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं व्हिच आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड यहां से ये जो थर्ड सेंटर्स हैं ये स्टिमुलेट होंगे एंड द पर्सन विल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, दूसरा रोल क्या है सोडियम क्लोराइड का इन कंट्रोलिंग योर आर्टेरियल प्रेशर, अफेक्टिंग योर आर्टेरियल प्रेशर? दैट इज Whenever there is excess salt in the extracellular fluid, osmolarity in the extracellular fluid will increase, and this will stimulate the hypothalamic posterior pituitary gland. ठीक है, and क्या होगा? There will be increased secretion of ADH hormone. Kidney will absorb water greatly. This will diminish urine volume, and then this will result in increase in extracellular fluid volume, resulting in increase in arterial pressure. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो एक तो आपके बेटा यहाँ पे थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हुए थे ड्यू टू राइज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे ही हाइपोथैलेमस में आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस में बन रहा है आपका एंटी डायरेटिक हॉर्मोन, हाइपोथैलेमस में बन रहा है आपका एंटी डायरेटिक हॉर्मोन। ठीक है, वो जाके स्टोर होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब आपके हाइपोथैलेमस में आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं, वो बताते हैं आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स को कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, तो व्हाट विल हैपन? दे विल सेंड सिग्नल्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और वो चलता चलता गो वाया ब्लड एंड रीच योर आपके रिसेप्टर्स पड़े हुए एंटी डायुरेटिक हार्मोन। अब क्या करेगा कि बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी जो है, यानी कि सॉल्ट ज्यादा हो गया और वाटर कम हो गया, तो अब क्या करेगा जो एडीएच जो है ये क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनीज, इट विल प्रिवेंट द loss of water from the kidneys, right? So what will happen? Ab kidney is not losing water.
इट इज रीअब्सॉर्बिंग वाटर ठीक है. तो वाटर जो है वो दैट विल बी रीअब्सॉर्ब एंड अंटिल द एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी कम बैक टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, आगे बात समझ में. बेसिकली व्हेनेवर देयर इज राइज इन सोडियम क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो दो चीजें होंगी. नंबर वन, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे, यू विल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. नंबर टू, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ADH हार्मोन रिलीज होगा विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है, एक तरफ से इनटेक इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ से आपने आउटपुट कम कर दी है तो बॉडी के अंदर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन आर्टरियल प्रेशर. ठीक है, सो व्हेनेवर यू टेक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्सेस सोडियम क्लोराइड लोगे तो इट इज राइज इन आर्टरियल प्रेशर, राइट, बिकॉज ऑफ टू रीजन, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड प्रिवेंटिंग, नंबर टू प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनीज. ठीक है, लेकिन आप नमक खाते हो तो आपका आर्टरियल प्रेशर क्यों नहीं राइज करता है? बिकॉज your kidneys are functioning normally. Whenever there is a rise in arterial pressure inside your body, what will your kidneys do? Due to this rise in arterial pressure, your kidneys will start losing excess of salt and water from the body. ठीक है, तो आपका body के अंदर arterial pressure rise नहीं होगा. लेकिन जिन लोगों की kidneys काम नहीं कर रही है, they are not functioning normally, if they take in large amount of salt in the body, so the arterial pressure will rise because now the kidneys are not getting rid of excess salt and water. So amount of salt that accumulates in the body is the main determinant of extracellular fluid. Very important. कि जो salt, अगर the amount कितनी salt है आपके body में, that is the main determinant कि आपके body के अंदर extracellular fluid volume कितना होगा. Accumulation of even small amount of extra salt will lead to elevation of arterial pressure if the vascular capacity is not simultaneously increased. अच्छा ठीक है, so अगर आप extra amount of salt लेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ राइज इन द आर्टरियल प्रेशर. ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि वास्कुलर कैपेसिटी जितनी थी, यानी आर्टेरियोज का जो डायमीटर था, कैलिबर था, वेन्स का जो कैलिबर था, वो उतना ही रहेगा. ठीक है, अगर वेन्स डायलेट हो जाती हैं या आर्टेरियोज डायलेट हो जाती हैं तो फिर इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स से कि द the arterioles and the veins, their state has not changed and the extra amount of salt and lot water will lead to elevation of arterial pressure. ठीक है, इसीलिए दो हम terms use करते हैं, salt sensitive और salt insensitive. जो लोगों के, the people who have a normal kidney function, they have normal arterial pressure despite wide variation in salt intake, ठीक है, because they get rid of the excess salt and water from the body. और salt sensitive वो होते हैं patient with damaged kidneys. Function, they show marked rise in arterial pressure when the salt intake increases, ठीक है. Now your kidneys जो हैं, they control arterial pressure through number two, दो चीजों से. एक तो changes in the excess cellular fluid volume, ठीक है. Number two through renin angiotensin system, ठीक है. बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर नेचुरोसिस होगी और प्रेशर डायुरेसिस होगी. नंबर टू, दैट्स द सेकंड मैकेनिज्म इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम. मैंने आपके साथ वो जो वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन है ना, वो थोड़ा सा स्किप कर दिया. जब मैं आपको हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको वो समझाऊंगी कि क्या होती है वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन. पहले मैं आपको किडनी का बता दूंगी, किडनी कैसे कंट्रोल आर्टरियल प्रेशर को. नंबर वन, थ्रू प्रेशर नेटरोसिस एंड डायरोसिस. नंबर टू, थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है. और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ही अफेक्ट करता है आर्टरियल प्रेशर को. और नंबर टू, सोडियम क्लोराइड की जो प्रेजेंस है, दैट आल्सो अफेक्ट्स द आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है. ये भी आप याद रखना, ठीक है. किडनी दो तरह से कंट्रोल करी आर्टेरियल प्रेशर को. नंबर वन, थ्रू प्रेशर नेट्रोसिस एंड डायरोसिस. प्रेशर नेट्रोसिस डायरोसिस से ये कंट्रोल करी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है. नंबर टू, इट
helps in controlling arterial pressure through raising angiotensin and progesterone. और body का जो arterial pressure है, that is, अगर हम let's if we are not talking about the blood vessels, let's say कि blood vessels अब normal पड़ी हुई हैं अपने body के अंदर, तो भी pressure increase हो सकता है अगर there is rise in extracellular fluid volume और there is rise in sodium chloride, ठीक है, in the body. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्गोस्टेरोन सिस्टम आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से भी आपने पढ़ा होगा कि जी आपके ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं उनके अंदर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं. एफरेंट आर्टेरियोल्स में आपके ये जी सेल्स हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि एक्चुअली स्मूथ मसल्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स हैं इन योर एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स हैं इन योर एफरेंट आर्टेरियोल्स. एंड व्हेनेवर देयर आर चेंजेस इन द आर्टेरियल प्रेशर, स्पेसिफिकली याद रखो, व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, तो ये जो प्रोरेनिन पड़ी हुई है यहाँ पे ये सेल्स में, ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में प्रोरेनिन पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये जो प्रोरेनिन है जो इट विल गेट रिलीज फ्रॉम द दिस जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है. ये क्या चीज है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये मैकुला डेंस है. सो व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, दीज चेंजेस जो हैं दे विल बी सेंस बाय द प्रोरेनिन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द जेजी सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स, एंड दिस प्रोरेनिन विल जो है दैट विल बी दैट विल convert into renin, and this renin jo hai this will enter the circulation. Some of the renin stays we have that enters the circulation, theek hai. Now what will happen, this renin will act on an enzyme in the liver, on a substrate in the liver. Renin ko ye kehte hai ki enzyme, lekin kuch log ab sab ye bhi kehte hai ki ye हार्मोन है, बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम द किडनी एंड देन इट गोज एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. ये जो है रेनिन जो है विच इज एन एंजाइम व्हिच विल एक्ट ऑन द एंजियोटेंसिनोजेन इन द लिवर, एंड दिस एंजियोटेंसिनोजेन जो है विल इज कन्वर्टेड फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है. एंजियोटेंसिन 1 के अंदर है 10 अमाइन. ये जो एंजियोटेंसिन 1 है फिर ये जो है इट विल एंटर द ब्लड, ठीक है, इट विल एंटर द ब्लड. और अब क्या होगा, इट हैज 10 अमाइनो एसिड एंड इट रिमेंस इन द ब्लड फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है. इट हैज अ वेरी माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट, इट हैज अ वेरी माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. अच्छा, दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एन एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द लंग्स. सबसे पहले डिस्कवर लंग्स में हुआ था, अब तो और बहुत सारे टिश्यूज में मिल गया है, लेकिन सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड इन द लंग्स. इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द लंग्स, ठीक है. दिस एंजियोटेंसिन 2 हैज 8 अमाइनो एसिड्स. अब इस एंजियोटेंसिन 2 का जो फॉर्म हुई है इट हैज टू इफेक्ट्स, ठीक है, एक इफेक्ट ऑन द हार्ट ऑन द ब्लड वेसल्स है और दूसरा इफेक्ट जो है ऑन द किडनीज. सो एंजियोटेंसिन 2 हैज टू पोटेंट इफेक्ट्स, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 जो है बहुत जल्दी 1 to 2 मिनट स्टेज इन द ब्लड, ठीक है. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या है, इट कॉजेस इंटेंस वैसोकंस्ट्रिक्शन, इट इज अ वेरी स्ट्रांग वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, इट इज अ वेरी पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है. एंड दूसरा इफेक्ट क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है किडनी पे, क्या इफेक्ट करती है किडनी पे, एक तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, इट कॉजेस रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कॉजेस रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, प्रिवेंट्स किडनी फ्रॉम लूजिंग वाटर, ठीक है. तो ये रिटेन कर रही है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बोथ, ठीक है, राइट. और उसके बाद इसका एक और इफेक्ट ये होता है कि द एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स,
ये एड्रिनल किडनी के ऊपर एक एड्रिनल मडल्ला पड़े हुए हैं, ठीक है। किडनी के ऊपर क्या पड़े हुए हैं? एड्रिनल मडल्ला। एड्रिनल मडल्ला जो है वो उनका जो कॉर्टिकल एरिया है वहां भी पड़ा हुआ है एल्डोस्टेरोन, हॉर्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 तो क्या होगा? इट विल कम एंड इट हैज रिसेप्टर्स इन द किडनी, इट विल कम एंड एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ द किडनी, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन? द किडनी विल रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एज वेल एज वाटर, ठीक है। तो रेनिन रिलीज कब होती है? Whenever there is a fall in arterial pressure. तो इसका मतलब है renin release होने का क्या फायदा हुआ? कि एक तो generalized vasoconstriction हो गई, vasoconstriction से आपका arterial pressure rise करेगा, ठीक है? Peripheral resistance increase होगा, arterial pressure will rise. Number two क्या है? कि एक तो आपका blood vessels जो है वो constrict कर गई, और दूसरे आपकी body जो है वो आपके extra cellular fluid volume को increase करेगी. Kidney जो है it is retaining salt and water, ठीक है, it is retaining salt and water and pushing it into the vascular system. तो इसका मतलब है कि जब ये it is not excreting salt and water, ठीक है, अगर excrete कर रही होती तो volume और body का कम हो जाता. It is retaining, reabsorbing salt and water. As a result of that, extracellular fluid volume will increase. And whenever there is a rise in extracellular fluid volume, the arterial pressure will go back towards normal. ठीक है, तो ड्यूअल इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का, राइट। और एंजियोटेंसिन 2 कब बनेगी? व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, दैट फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर विल बी बाय योर किडनी एफरेंट आर्टरियोल्स इन द जेस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, दे विल कॉज रिलीज ब्रेक डाउन ऑफ प्रो रेनिन इनटू रेनिकुल, एंड दिस रेनिन मॉलिक्यूल जो है देन इट विल act on angiotensinogen to convert into angiotensin 1. This angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 in the liver, sorry, in the lungs. And this angiotensin 2 has a dual effect. Angiotensin 2 ka ye jo effect hai on the blood vessels, it comes within minutes. Within minutes, it causes vasoconstriction of all the arterioles in the body. इसका वेन्स के ऊपर वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है, बट द इफेक्ट ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन इज मोर मार्क्ड ऑन द आर्टेरियोल्स. सो व्हेनेवर व्हेनेवर ऑल द आर्टेरियोल्स इन द बॉडी दे गेट कंस्ट्रक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, व्हाट विल हैपन? द पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज कॉजिंग राइज इन आर्टेरियल प्रेशर. उधर से ये जो आपके वेन्स है उनकी भी माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होती है एंड दे विल पुश द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दस इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, ठीक है. So whenever there is a fall in arterial pressure, the angiotensin 2 produced will cause, will try to increase that arterial pressure. अब इधर आते हैं, ये effect जो है on the blood vessel, it comes within minutes, right? दूसरा effect जो है angiotensin 2 का, it's on the kidneys, ठीक है? Kidneys में क्या है? एक तो directly it causes the blood vessels in the kidney to cause reabsorption of salt and water. अब वो salt and water आपके सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा. दूसरे इट कॉजेज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स, एंड दीज एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं रिलीज करेंगे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द किडनी टू कॉज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा और आपका आर्टेरियल प्रेशर विल राइज, ठीक है. आगे बात समझ में, ये जी आपके अदर का है फ्लो चार्ट गाइटन का. तो व्हेनेवर देयर इज, याद रखो रेनिन कब रिलीज होगी, एंजियोटेंसिन कब बनेगी, टू व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है. व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर, सो और फॉल इन आर्टेरियल प्रेशर कब होता है? शॉक में होता है, हेमरेज में हो जाता है, ठीक है. अब डायरेक्ट आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि जी रेनिन कब रिलीज हो रही है, ठीक है. आपको एक सिनेरियो आ जाएगा कि जी एक पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो या उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, या उसको डायरिया हो गया है, या उसको वॉमिटिंग हो गई है, तो उसका आर्टेरियल प्रेशर फॉल कर गया है, ठीक है. फिर आपसे वो पूछेंगे कि हाउ विल द किडनीज कॉम्पनसेट, तो फिर उस सिनेरियो में आप ये सारा बताओगे. जब वो किडनीज का पूछते हैं किडनीज कैसे आपके आर्टेरियल प्रेशर को
they will bring it back towards normal. फिर आप एक सारी कहानी बताओगे कि there's decreased arterial pressure, ठीक है, renin release by kidneys, renin substrate will act on angiotensinogen, which will is converted into angiotensin 1, and then there is a converting enzyme in the lungs, which will form angiotensin 2. Angiotensin 2 ke jo hai, uska effect hoga on the blood vessels, because of vasoconstriction. Vasoconstriction se aapka rise in arterial pressure hoga. Dusri taraf se, angiotensin is causing retention of salt and water, direct effect hai, or through the aldosterone, and they all these they will cause rise in arterial pressure. ठीक है, angiotensin 1 जो है it is inactive, becomes inactive in the presence of angiotensin enzyme. ठीक है, तो basically आपकी blood vessels भी affected. It is a very important vasoconstrictor. और दूसरे इसका effect है आपका on the blood vessels. ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 के तीन इफेक्ट्स हैं. इट्स अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर. नंबर 2, कॉजेस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय द किडनीज. नंबर 3, पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन. एंड एल्डोस्टेरोन आल्सो इट आल्सो कॉजेस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय द किडनीज. सो द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज अ डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट विद इन मिनट्स. It constricts arterioles intensely and veins mildly. As it constricts arterioles, it produces rise in peripheral resistance and it promotes venous return, thus causing pumping activity of the heart, increasing the pumping activity of the heart. Okay, both of them will cause arterial pressure to go back towards normal. अच्छा, अगर देखो एक बंदा है, ठीक है, उसका arterial pressure 100 था, उसका blood bleed कर गया, ठीक है, तो क्या होगा अगर उसके किडनी अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है. एक सिनेरियो ये है और एक सिनेरियो ये है कि एंजियोटेंसिन सिस्टम नहीं है उसके अंदर. तो देखो अगर एंजियोटेंसिन सिस्टम है तो देखो इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक आर्टेरियल प्रेशर टू एटलीस्ट 75 तक ले आएगा. लेकिन अगर उसका रेनिन एंजियोटेंसिन 2 सिस्टम नहीं है तो उसका आर्टेरियल प्रेशर जो है वो उतना ही रहेगा, 50 पे ही रहेगा. ठीक है, सो यू नाउ यू कैन सी the significance of renin angiotensin 2 system. Ke agar renin angiotensin 2 is working, to arterial pressure will come back at least 25% to wapas normal ho jayega. Acha, thoda sa break de do aap. Kya hai aap logon ki dimagi halat kya hoti hai jab aap exam de rahe hote hain? जो कुछ नॉलेज है, बबलिंग नॉलेज, ब्रेन फुल ऑफ नॉलेज, चोड़ निचोड़ के अब आपकी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से आप अपने पेपर में लिख दो सारा कुछ. ऐसे ही होता है ना, आपका दिमाग क्या हालत होती है आपकी ड्यूरिंग एग्जाम्स. सोच लो, अब जब भी एग्जाम दे रहे होगे ना तो आपको ये कार्टून जरूर याद आएगा. हाँ, बस नहीं चल रहा होता कि जो कुछ आता है ना सब कुछ लिख दो. काफी है ब्रेक आपके लिए, थोड़ी सी मुझे ब्रेक मिल जाए, थोड़ी सी आपको भी ब्रेक मिल जाए. सवाल पूछ सकते हैं, पूछोगी एंड में. अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट विद इन मिनट्स जो है वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का. और फिर उसका इफेक्ट क्या है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द रिनल ट्यूब्स. ठीक है, बट दिस इफेक्ट टेक्स आवर्स एंड डेज टू प्ले इन इट्स एक्चुअल रोल. दिस इफेक्ट इट टेक्स आवर्स एंड डेज. जो वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है इट अकर्स विद इन मिनट्स. ठीक है,
कैसे वाला? इट स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन. तीसरा फैक्ट क्या है ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जब हम सेकेंड ईयर में किडनी करेंगे तब आपको समझ में आएगी इसकी. अभी बस आप ये याद रखोगे डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि किडनी जो है रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर. अच्छा अब मजे की बात है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम ऑफ द किडनीज इज मोर पावरफुल देन द वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट इन कंट्रोलिंग आर्टरियल प्रेशर. ठीक है, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 का दो इफेक्ट है ना, एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम है जिस जो रिटेन कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर को. ठीक है, और एक एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट है वेजो कंस्ट्रिक्टर. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है जो कि रिटेन कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर को दैट इज मोर पावरफुल इन कंट्रोलिंग आर्टरियल प्रेशर एज कंपेयर टू द वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. ठीक है, दूसरे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन द किडनी इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू इट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट वाया एल्डोस्टेरोन. ठीक है, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 के दो इफेक्ट्स हैं, नंबर 1 वैसोकंस्ट्रिक्टर, नंबर 2 रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर वो किस इफेक्ट वो कैसे हो रहा है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है, दिस इफेक्ट इज मोर पावरफुल इन कंट्रोलिंग आर्टरियल प्रेशर ऑल्दो इट टेक्स डेज बट इट इज मोर इफेक्टिव मोर पोटेंट एज कंपेयर टू द वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. दूसरी बात ये है ए एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली कॉजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. तो ये जो डायरेक्ट इफेक्ट मोर एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट इफेक्ट टू द एल्डोस्टेरोन. यानी कि एंजियोटेंसिन 2 भी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कर रही है और एल्डोस्टेरोन ही सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है और एल्डोस्टेरोन रिलीज ही तब होगी जब एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दोनों का एक ही फंक्शन है बट द इफेक्ट ऑफ एंजियो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट इफेक्ट बाय एल्डोस्टेरोन. ठीक है, सो अगर एंजियोटेंसिन 2 लेवल लो है तो बॉडी का आर्टरियल प्रेशर राइज नहीं करेगा, इट विल रिमेन लो. और अगर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल ज्यादा है बॉडी में तो एंजियोटेंसिन 2 लेवल जो है वो आपका आर्टरियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि डिस्पाइट कि आपके सॉल्ट इनटेक जो है वेरिएबल है, ठीक है, या ज्यादा कर ले रहे हो कम ले रहे हो, तो आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कैसे आपके आर्टरियल प्रेशर को मेंटेन करेगा. ठीक है, अब आप ये देखो आपकी सॉल्ट इनटेक ज्यादा होगा, सॉल्ट इनटेक ज्यादा होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो आपका आर्टरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. आपको पता है कैसे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मेन सिस्टमिक फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट था थ्रू ऑटो रेगुलेशन भी आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब आर्टरियल प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन जो है आपकी अब आपकी डिक्रीज हो जाएगी, रेनिन एंजियोटेंसिन आपकी डिक्रीज हो जाएगी. सो रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विल नॉट अकर. ठीक है, किडनीज विल नॉट रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर एंड रिटर्न व्हाट क्या होगा कि किडनीज दे विल एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सेस सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम विल कम गो बैक टुवर्ड्स नॉर्मल रिजल्टिंग इन return of arterial pressure towards normal. I repeat again, whenever there is excess salt in the body, तो क्या होगा? जब body के अंदर salt ज़्यादा होगा, तो आपके thirst center stimulate होंगे. You will drink more water. ठीक है? अब आप पानी ज़्यादा पियोगे, तो क्या होगा? कि आपका extracellular fluid volume बढ़ गया. अच्छा, दूसरी तरह से क्या होता है कि आपके body के अंदर अगर salt ज़्यादा हो गया, तो ADH release होगा. ADH release होगा, तो क्या होगा? Kidney will retain water. याद रखो एंटीडायुरेटिक हार्मोन सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को ज्यादा करता है. ठीक है, तो क्या वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया. ठीक है, वाटर ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो आपका कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू वाटर रेगुलेशन ज्यादा हो जाएगा और आर देयर विल बी अ राइज इन आर्टरियल प्रेशर. ठीक है,
अब राइज इन आर्टेरियल प्रेशर हो गया तो क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया तो रेनिन रिलीज नहीं, ठीक है, रेनिन हमेशा तभी रिलीज होगी व्हेन देयर इज डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। रेनिन रिलीज नहीं होगी, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नहीं होगा तो एक्सेस वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड आर्टेरियल प्रेशर विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल। If your kidneys are working normally, increased salt intake will not cause rise in arterial pressure. However, a small increase in intake will lead to marked increase in arterial pressure. To get rid of excess salt and water, if there is kidneys are not working, there is hypertension, diabetes mellitus, surgical removal of kidney or excess secretion of angiotensin and aldosterone. Meaning, if your kidneys are not working, हाँ, अगर आप salt excess ज़्यादा लोगे तो hypertension हो जाएगी। If your kidneys are normal, if whatever amount of salt you will take, you will not get hypertension, ठीक है? अच्छा एक और चीज आपके शुरू में दी हुई थी, शायद डॉक्टर जावेश आपके इसने भी आपको कवर नहीं कराया था, effect of increasing total arterial resistance on arterial pressure, ठीक है? कि आपको पता है ना जब peripheral resistance increase होगा तो arterial pressure बढ़ जाएगा, हाँ? लेकिन अगर आपकी किडनीज काम सही कर रही हैं, इफ योर किडनीज आर वर्किंग नॉर्मली तो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी का सारे का आर्टेरियल प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस आर्टेरियल्स कंस्ट्रिक्ट भी कर गई है, पेरिफेरल इंक्रीज भी कर गया है, अगर आपकी किडनी सही काम कर रही है तो जो आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है यू कैन इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो कैसे नॉर्मल होगा? Why? Yeah, whenever this rise in arterial pressure, foreign kidneys जो है ना, due to pressure retention and diuresis, it will try to get rid of the rise in pressure. ठीक है? लेकिन अगर अब इसमें important बात कि सारी body की arterioles constrict कर गई हैं, लेकिन intra-renal जो vessels हैं, arterioles हैं, नहीं की हैं, ठीक है? तो आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर आपके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और साथ आपकी जो किडनी की जो आर्टरियोल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट कर दी है तो फिर राइज इन आर्टरियल प्रेशर होगा। आई रिपीट अगेन, देखो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया बॉडी का लेकिन किडनीज की आर्टरियोल्स का इंक्रीज नहीं हुआ, किडनीज की आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं थी, ठीक है? तो राइज इन आर्टेरियल टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हुआ है, राइज इन आर्टेरियल प्रेशर हुआ है वो नहीं होगा राइज, बिकॉज़ द किडनीज आर वर्किंग नॉर्मली एंड दे विल गेट रिड ऑफ ऑल द एक्सेस आर्टेरियल प्रेशर थ्रू प्रेशर नेट्रोसिस एंड डायुरेसिस। लेकिन अगर आर्टेरियोल सारी किडनीज की भी सारी आर्टेरियोल के साथ किडनीज की भी आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं देन इन दैट केस प्रेशर एंट्रोसिस डायरेसिस नहीं होगी और आर्टरियल प्रेशर राइज कर जाए, ठीक है? इसमें ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये देखो उसे ये दिखाया है कि देखो कार्डिक आउटपुट कुछ कंडीशन में ज्यादा है कुछ कंडीशन में कम है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट नॉर्मल रहता है। ये देखो पेरिफेरल रेजिस्टेंस थ्रू आउट नॉर्मल है बिकॉज अगर इन कंडीशन में किडनी सही काम कर रही है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो आर्टरियल प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो हमने देख लिया किडनी का रोल ऑन द हाइपर्ट ऑन द आर्टरियल प्रेशर। तो अब हम देखते हैं कि जी अगर आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हम इसे क्या कहते हैं। बहुत कॉमन चीज है बेटा हाइपरटेंशन, हर दूसरे बंदे को हाइपरटेंशन है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में होते ना और अगर पेशेंट को आपके हाइपरटेंशन है ना तो दैट विल बी अलार्मिंग, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है, चाहे आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, कॉस्मेटिक सर्जन हो,
मतलब आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपके पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो फिर आपका सारा काम जो है वो गड़बड़ हो सकता है। आप कोशिश पूरी करोगे कि पहले उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल हो, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। ठीक है, सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हेनेवर द मीन आर्टेरियल प्रेशर। अच्छा बच्चों, अभी तक जितनी भी मैंने आर्टेरियल प्रेशर की बात की, याद रखो मैंने मेन आर्टेरियल प्रेशर की बात की। जब हम जिस आर्टेरियल प्रेशर को हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, थ्रू ऑटोनॉमिक और थ्रू किडनीज, वो एक्चुअली आपका मेन आर्टेरियल प्रेशर, इट इज नॉट योर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मेन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, और आपको पता है मेन आर्टेरियल प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। So, whenever the mean arterial pressure is greater than 110 millimeters mercury, mean normal कितना होता है? 90 millimeters. तो अगर 110 से ऊपर चला गया तो हम कहेंगे ये hypertensive है। इस situation में diastolic blood pressure जो है वो more than 90 होगा, systolic blood pressure जो है more than 135 होगा। High blood pressure is caused by impaired renal function, renal fluid gestation. High blood pressure is caused by impaired renal fluid excretion, यानी कि बॉडी में अगर आर्टरी प्रेशर बढ़ रहा है और फिर भी उसको एक्सक्रीट कर देती है एक्सेस फ्लूइड को, प्रेशर विल कम बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन अगर किडनी सही काम नहीं कर रही है तो दैट एक्सेस फ्लूइड विल नॉट बी लॉस्ट एंड इट विल बी रिटेन इन द बॉडी। सीवियर हाइपरटेंशन में मीन आर्टरी प्रेशर 150 टू 170 हो जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर बिकम्स एज हाई एज 130 एंड सिस्टोलिक प्रेशर बिकम्स एज हाई एज 250। अच्छा जी, बहुत जालिम चीज है हाइपरटेंशन। क्या करती है? इट डिक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हार्ट पे क्या इफेक्ट है? हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाएगा या कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाएगी, लीडिंग टू हार्ट अटैक। नंबर टू, स्ट्रोक हो जाएगा। ड्यू टू राइज इन ब्लड प्रेशर, अगर कोई ब्लड वेसल ब्रेन की रप्चर कर जाती है तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, वो एरिया जहाँ ब्रेन का, जहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर कर जाएगी, वो एरिया इनफार्क्ट हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू स्ट्रोक, पैरालिसिस हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ठीक है, एंड सो मेनी अदर ब्रेन डिसऑर्डर्स। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर इन द किडनीज जो है तो क्या होगा? किडनी के कुछ एरियाज जो है वो डैमेज हो जाएंगे एंड लीडिंग टू रीनल फेलियर, यूरेमिया एंड डेथ। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर। ओके, ये भी छोटा सा ग्राफ देख लो आप। एक अच्छा, गाइडर ने सबसे ज्यादा काम देना कुत्तों पे किया है। ठीक है, बहुत काम किया डॉग्स के ऊपर। ठीक है, तो उसने ये आपको ग्राफ शो किया हुआ है कि एक डॉग लिया उसने, उससे पहले उसके अपर पोल्स दोनों किडनी की रिमूव कर दिए। ठीक है, तो उसने देखा कि आर्टेरियल प्रेशर पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने फिर एक पूरी किडनी रिमूव कर दी। इवन देन फिर भी जो किडनी किडनी बाकी बची थी, उसने आर्टेरियल प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश, थोड़ा सा राइज इन प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अब उसने जो उसी डॉग को पकड़ के उसको पिला दिया सोडियम क्लोराइड का पानी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाटर उसे पिलाया तो उसको क्या हुआ? उसका आर्टेरियल प्रेशर राइज कर गया। आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने उसको नॉर्मल पानी पिलाया। जब उसको नॉर्मल पानी पिलाया तो देखो राइज इन आर्टेरियल प्रेशर नहीं। फिर उसके बाद उसने फिर उसको डॉग को सोडियम क्लोराइड पिलाया का पानी पिलाया तो फिर देयर वाज मोर राइज इन द आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, सो बेसिकली यही कि अगर किडनीज काम कर रही हैं और आप तो आप अगर इनटेक ऑफ सॉल्ट ज्यादा भी है तो भी आपका आर्टेरियल प्रेशर राइज नहीं करेगा, लेकिन अगर किडनीज काम नहीं कर रही है तो वो सॉल्ट इनटेक आर्टेरियल प्रेशर को बहुत ज्यादा राइज कर देगा। ओके, आई विल स्टॉप हियर। अच्छा चलो, ये सवाल पूछो। अच्छा बच्चों, तुम लोगों का रिएक्शन सिर्फ जोक के ऊपर आता है, जो मैंने पढ़ाया कुछ पूछ लो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई है। मेरा चैट जरा कैसे अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। ओके
कोई बात अगर नहीं समझ आई तो चार पांच बच्चों को घर दो ना, कुछ बात समझ में आई है तो बस दुआ करो जल्दी से कॉलेज आपको बहुत मिस करते हैं, मजा नहीं आता पढ़ाने में जब तक कि आपके मेरे बुक की आती है नॉलेज गेन के लिए। क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आई तो प्लीज आस्क। Is there any question? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ गया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो ये ऐसी कि वो इधर वाला घर मेरे नाम में है, उसके नाम में नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस में है। 10 मिनट ले बताओ। नहीं, उसने ऐसे भेज देना है, ऐसे करके उसने भेज देना है। पापा और मामा ने कितनी मुश्किल से देगा। हाँ, तो बाकी मैं आपको आगे बाद में पढ़ाऊंगी ना। पढ़ाया वो समझ में आ गया है। चलो शाबाश, गुड, पढ़ना बैठ के अच्छा। बहुत छुट्टी आपने मना ली है। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। सली तुम्हें तब होगी ना जब कुछ आप क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सुन रहे थे मुझे। फटाफट आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जरूर आएगा एग्जाम। प्लीज खुदा रहा तो हम लोग मेरा पढ़ा मुझे।